नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। यह हायर का फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है, आप देख सकते हो 298 लीटर का। इसमें प्रॉब्लम यह था कि चूहों ने काट के सब उसका पीसीबी और सब ख़राब कर दिया था। यह एक्चुअल में फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर सिंपल ही है, पर ये डिफ्रॉस्ट सर्किट के साथ था, तो हमने इसको डायरेक्ट कर दिया है। डायरेक्ट मींस अपना टाइमर के साथ कर दिया है। ये हमारा सक्शन लाइन का कंपार्टमेंट कर दिया है, ये वायरिंग का है। ये दोनों अलग करने का कारण हमारा ये गैस है, आप देख सकते हो इसमें R600 डाला हुआ है। तो अगर कभी भी फ्यूचर इन केस इसमें कुछ होता है, स्पार्क वगैरह, तो यहाँ पे सक्शन भी जा रही है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, दोनों मिक्स होगा, कहीं पे पंचर हो गया, कहीं घिस के गैस लीक हो गया, तो हादसा हो सकता है, इसलिए हमने दोनों सेपरेट ले लिया। कंडेंसर भी हमारा इसलिए हमने निकाला हुआ है कि अंदर डैमेज हो गया था कंडेंसर, चूहों वगैरह ने पेशाब करके वो सब पाइप वगैरह गल गई थी। यहाँ हमने मॉस्किटो नेट लगा दी है सभी जगह। इस बक्से में हमने टाइमर लगाया है और हमारा एक सर्किट लगाया है LED वगैरह का। बाकी जो हमारा जो वायरिंग होता है वो फ्रॉस्ट फ्री का है, सेम टू सेम ही है, अपना टाइमर, बायोमेटल, थर्मल फ्यूज़ वगैरह सब। यहाँ से हमने, आप देख सकते हो, ये नेट की वजह से घिसे नहीं, इसलिए हमने यहाँ RO का पाइप लगा दिया है। कैपिलरी में छोटा वाला 1/4 का है और डिस्चार्ज में 3/8 का है। बाकी हमने ऐसा ही जाली कंप्रेसर के अंदर भी डाला हुआ है और इसकी वजह से अब कहीं भी चूहा इसको कहीं काटेगा नहीं। और ये पावर केबल पे भी हम ये स्प्रिंग लगाने वाले हैं, जो अपना ये कंस्ट्रक्शन में जो तार यूज़ करते हैं उसका स्प्रिंग बना के इस पर लपेट लेंगे। तो उसकी वजह से क्या कि इस पर भी जो रैपिड है चूहे वो बाइट नहीं मार सकते। ये थोड़ी छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कहीं चूहा परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये आप कर सकते हैं। थैंक यू।